आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस 2x को हमें एक्सपेंड करना है, 1 माइनस 2x के पावर 5 को हमें इसको बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, एन सी जीरो ए के पावर n माइनस एन सी वन एन सी वन ए के पावर एन माइनस वन बी के पावर वन प्लस एन सी टू ए के पावर एन माइनस टू बी के पावर टू, ऐसे हैं। जब यहाँ पर बी के पावर 8 नंबर होता है तो वहां क्या होता है, निगेटिव होता है, ऐसे हम जाएंगे। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या 2x है और एन के जगह पे हमारा क्या है 5 है। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू पुट करें, एन की जगह 5 है तो 5c0 ए के पावर 1 के पावर 5 माइनस 5c1 ए के पावर 1, ए की जगह पे 1 है, अब 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, बी की जगह पे हमारा 2x है प्लस 5c2, जहां बी के पावर इवन नंबर आएगा वहां फार्मूला में यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अगर इवन ऑड नंबर आता है तो निगेटिव होता है। 1 ए की जगह पे 1 है तो उसकी वैल्यू लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x के पावर 2, यहाँ देखिए बी ऑड नंबर आ रहा था यहाँ पर क्या होगा वो निगेटिव होगा, 2x के पावर 3 प्लस 5c3 1 के पावर, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 2x के पावर 4 प्लस 5c5 2x के पावर क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा। अभी हमने फार्मूले में वैल्यू पुट अप किया है, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, मैंने बताया था 5c0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है, 5c1 की वैल्यू 5 होगा, ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 होगी, यानी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आएगा, एक्स की पावर यहाँ पर 2x है तो मल्टीप्लाई यहाँ 2x होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब बताया था एन सी आर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इस पर मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है तो आप इसको करेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 10, ओके यहाँ पर 10 आएगा, 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x आएगा स्क्वायर आएगा, माइनस 5c3 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10, इसका जब 3 बार गुणा करोगे तो 8x क्यों आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 5x के पावर 4 जब है तो 16x के पावर 4 होगा, इसकी 5c5 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर माइनस होगा 1 होगी, 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के पावर 5 की वैल्यू 32x के पावर 5, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ से, 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यू प्लस 80x के पावर 4 माइनस 32x के पावर 5। तो इस एक्सपेंशन को बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, थोड़ा इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लॉन्ग है, लेंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट करेंगे हम लोग। अब मैंने यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं किया कि और लेंदी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, ये आप सॉल्व करो इसको, मैंने बता दिया ऐसा इसके बारे में, तो आप सॉल्व करो, 5 सी
थ्री को कैसे सॉल्व करोगे फैक्टोरियल फाइव इसके अकॉर्डिंग, आर के जगह पे यहाँ से थ्री है, एन के जगह फाइव है, तो फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल थ्री और फैक्टोरियल टू, एन माइनस आर करोगे नहीं, फाइव माइनस थ्री क्या आएगा टू आएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है, थ्री को थ्री टू वन, टू को टू इंटू वन, इससे कैंसिल ये, इससे कैंसिल ये, टू टू जा फोर, तो फाइव टू जा कितना आएगा फाइव टू जा, हमने किसको सॉल्व किया था इसको सॉल्व किया था, फाइव टू जा टेन आएगा, टेन और एट में मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमारा आया था एटी आया था। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर टू आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा ठीक है, बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है ना लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सपेंड द एक्सप्रेशन टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई टू का फाइव है, सिंपल है, एक हजार यहां से क्या है टू बाई एक्स है, बी के जगह पे एक्स बाई टू है और एन के जगह पे क्या है फाइव है। कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग होगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ ठीक है, बट सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है। पहले वैल्यू पुट अप करते हैं, क्या होगा एन सी जीरो यानी फाइव सी जीरो, एक जगह पे टू बाई एक्स है इसके पावर फाइव लिखेंगे, फाइव सी वन टू बाई एक्स के पावर, हम फार्मूला पर रख रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है, एक्स बाई टू प्लस फाइव सी टू टू बाई एक्स के पावर, घटाइए इसमें से थ्री आएगा, एक्स बाई टू के पावर क्या आएगा टू आएगा। अभी तो फाइव सी टू पे जा रहे हैं, अभी हम फाइव सी थ्री यानी फाइव सी थ्री टू बाई एक्स के पावर टू, एक्स बाई टू के पावर थ्री प्लस फाइव सी फोर टू बाई एक्स के पावर क्या आएगा वन आएगा ठीक है। वन आने के बाद बी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं एक्स बाई टू के पावर फोर माइनस फाइव सी फाइव टू बाई एक्स के पावर जीरो और एक्स बाई टू के पावर, एक्स बाई टू के पावर क्या आएगा फाइव आएगा। अभी तो हमने वैल्यू पुट किया है, इसके बाद देखिए क्या होता है, अब इसको सॉल्व करिए आप ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा वन होती है, इसके पावर आप मल्टीप्लाई कर टू का फाइव टाइम मल्टीप्लाई करो थर्टी टू आएगा, एक्स के पावर फाइव ओके, फाइव सी वन की वैल्यू क्या आती है फाइव आती है, जो यहाँ पर रहेगा वही आएगा, एन के जगह जो वैल्यू होती है वही वैल्यू आती है, तो माइनस फाइव दो का चार बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सिक्सटीन आएगा, एक्स के पावर क्या आएगा फोर आएगा, ये भी सॉल्व हो गया, एक्स बाई टू में इसमें मल्टीप्लाई में है प्लस फाइव सी टू को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फाइव सी टू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री, अब पांच और चार बाहर जब लेंगे इससे थ्री कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा ट्वेंटी, ट्वेंटी को टू से डिवाइड करिए तो कितना आएगा टेन आएगा, तो टेन इंटू इसका टेन में मल्टीप्लाई एट डिवाइड बाई एक्स के पावर क्यू ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर माइनस, इसको आप सॉल्व करिए सेम ऐसे सॉल्व करिए, तो यहां से अगर थ्री हम लिखते हैं तो यहां से क्या आएगा फैक्टोरियल थ्री यहाँ पे आएगा टू, सेम फाइव और फोर को बाहर करेंगे फैक्टोरियल थ्री आएगा, फैक्टोरियल थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पर ट्वेंटी, ट्वेंटी को टू डिवाइड करिए क्या आएगा टेन आएगा ठीक है, तो माइनस टेन फोर बाई एक्स स्क्वायर
एक्स क्यू डिवाइड बाय एट, ठीक है, प्लस फाइव सी फोर को आप सॉल्व करोगे तो आएगा फाइव टू बाई एक्स, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करिए तो एक्स के पावर फोर, ये टू का फोर टाइम मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, तो सिक्सटीन आएगा, इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ पर एक्स के पावर फाइव डिवाइड बाई थर्टी टू, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हमने ये मिला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लिए, 32 डिवाइड बाय एक्स के पावर माइ इसके, देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, इससे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 40 डिवाइड बाय एक्स क्यों प्लस, इससे आपका कैंसिल होगा, डिवाइड कर दोगे तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, इससे एक एक्स कैंसिल हो गया तो 20 डिवाइड बाई एक्स माइनस, इससे ये कैंसिल टू और टू से फाइव डिवाइड कर देगा, यहाँ से टू से फाइव टेन डिवाइड कर देगा फाइव, इससे एक्स कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका फाइव एक्स प्लस, इससे कैंसिल डिवाइड हो जाएगा, टू को टेबल में सिक्सटीन कितनी बार में आता है, एट बार में आता है, यानी फाइव डिवाइड बाई एट, इससे एक अब एक्स कैंसिल करो एक्स पावर क्यू माइनस एक्स के पावर फाइव और 32, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा बट कैलकुलेशन अब डिपेंड करता है आप कैसे का क्वेश्चन करते हो, ठीक है, इजीली हो जाएगा, बस आप प्रैक्टिस में इसको लाइए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेम थ्री में भी ऐसा ही करना है, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन 2x माइनस 3 के पावर 6, बाइनोमियल से क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं, a की जगह पे क्या है 2x, b की जगह पे क्या है 3 और n की जगह पे क्या है 6 है, इस फार्मूले में जहां ये इसका मैंने बताया भी है फार्मूला, बट आप एक इसमें ये भी एक ट्रिक कर सकते हो कि जहां इसके पावर इवन नंबर आएगा पॉजिटिव होगा सामने साइन, जहां नेगेटिव आड नंबर है वहां नेगेटिव होगा, तो रखिए फार्मूले में 6c0 एक जगह पर क्या है 2x, तो 2x के पावर 6 माइनस 6c1 2x के पावर इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करिए 5, यहाँ b के जगह पे 3 है प्लस 6c2 घटाइए, जो पावर जितना आएगा उसमें से एक पावर में हो जाता है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर होगा, जो यहाँ होता है वही b के पावर होता है माइनस 6c3 2x के पावर 3, अब b के जगह पे 3 है तो इसके पावर 3 हो जाएगा प्लस 6c4 2x के पावर घटाइए इसमें से 2 आएगा और 3 के पावर 4 हो जाएगा प्लस 6c5 2x के पावर 1 और 3 के पावर 5, यहां पर माइनस होगा, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा 6c6 2x के पावर 0 और 3 के पावर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, सॉरी इसको आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 64 एक्स के पावर 6, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, 2 के पावर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 एक्स के पावर 5 प्लस, इसको आप सॉल्व करो 6c2 को सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 आएगा, 6 और 5 बाहर होगा बच गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल और 2 से डिवाइड कर दिए 6 को तो 3 आएगा, 3 में आप 5 से
मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, यानी यहाँ पे आएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 6 के 16 के पावर 4, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया, यहाँ पर आ गया 9। ओके माइनस 6 C3 को आप ऐसे ही सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा, 6 C3 को सॉल्व करने के बजाय 20, इसका मल्टीप्लाई करिए 8x³, इसका 3 का मल्टीप्लाई करिए 30 27, 6C4 ऐसे ही 6C4 को फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, 6 और 5 बाहर ले लिया, फैक्टोरियल 4 से इसको ब्रेक कर दिया, इससे कैंसिल, 2 से कट जाएगा 3 बन, यहाँ से 15 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका आएगा 15 4x² 81 माइनस, सेम आगे आप ही सॉल्व करिए, माइनस 6 2x 243 प्लस 1729। हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया, आप 6C5 को जब सॉल्व करो तो 6 आएगा, इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। अभी तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ओके अब आगे चलते हैं, इसमें क्या करना है, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन देख ही लिए हैं बुक में भी, एनसीईआरटी बुक के 8.1 हम कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बस सिंपल आप इसका सिंपलीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई के लिए जो जो है आप 32 में यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना है इसमें से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 576 के पावर 5 आएगा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तीनों का तो ये आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस इन तीनों 27 820 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 4320 के पावर 3 आएगा। उसके बाद 15481 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो आ जाएगा 4860 के पावर 2, इसका आप मल्टीप्लाई करो इसका समय 243 2 और 6 में तो आपका आएगा 2916 भी आ जाएगा, यक्स ये आ गया आपका 2729। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th कैसे करेंगे, जहां जहां ये वैल्यू आ रहा है ना तो आप इसको आप साइड में सॉल्व करो, क्योंकि अगर हम सॉल्व यहाँ करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये जो आ रहा है यहाँ पर 5C3 आ रहा है और 5 फैक्टोरियल ये आर की जगह पे रखिए 3, ये एन माइनस आर करेंगे तो 2 आएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बता रखे हैं पहले वीडियो में, आप देखिए कैंसिल, इसका वैल्यू क्या होता है 2×1 होता है, इससे कट जाएगा 2 से 10, इसका आंसर आएगा। ऐसे ही आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, x बाई 3 माइनस सॉरी प्लस है, ये पावर क्या है 5 है, 5 है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम वैसे आप एक जगह पे क्या है x बाई 3 है, b की जगह पे क्या है 1x है और n की जगह पे क्या है 5 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, x बाई 3 प्लस 1x के पावर 5C0 एक्स बाई 3 के पावर 5 प्लस 5C1 वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, बाइनोमियल जो फार्मूला था उसमें हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, एक्स बाई 3 के पावर 4 और बी के जगह पे क्या है 1x के पावर 1 हो जाएगा, 5
सी टू एक्स बाई थ्री के पावर थ्री वन बाई एक्स के पावर टू प्लस फाइव सी थ्री एक्स. मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, आप भी फॉर्मूला लिखो पुट करो, ठीक है, बिल्कुल इजी है. कोई इसमें ये लॉन्ग थोड़ा है बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वन बाई एक्स के पावर थ्री प्लस फाइव सी फोर एक्स डिवाइड बाई थ्री के पावर वन वन बाई एक्स के पावर फोर फाइव सी फाइव एक्स बाई थ्री के पावर जीरो वन बाई एक्स के पावर फाइव आ रहा है. अभी हमने क्या रख किया, बस फार्मूले में पुट किया है, फार्मूले में बस वैल्यू रखा है, तब इतना लॉन्ग हो गया है, ठीक है. अब देखिए आगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, आप करना. एक्स के पावर सिक्स 243 प्लस फाइव एक्स के पावर थ्री 81 प्लस 10x डिवाइड बाई 27 प्लस 10 डिवाइड बाई 9x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x क्यों प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा वैल्यू निकालोगे, तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आएगा. हम कई क्वेश्चन से कर रहे हैं, आप खुद ट्राई करो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सिक्स था हमारा, सॉरी फाइव, फाइव पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर सिक्स को हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है. तो चलिए एक्सपेंड करते हैं. ए के जगह पे क्या है एक्स, बी के जगह पे क्या है वन बाई एक्स, एन के जगह पे क्या है सिक्स. फॉर्मूला अब रखिए एन सी जीरो ए के पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन एक्स के पावर फाइव वन बाई एक्स प्लस सिक्स सी टू एक्स के पावर फोर वन बाई एक्स के पावर टू प्लस सिक्स सी थ्री एक्स के पावर थ्री वन बाई एक्स के पावर थ्री. मैं फर्स्ट फार्मूले में पुट कर रहा हूँ और कुछ हम नहीं कर रहे हैं. सिक्स सी फोर एक्स के पावर टू वन बाई एक्स के पावर फोर प्लस सिक्स सी फाइव एक्स के पावर वन वन बाई एक्स के पावर फाइव यहाँ से सिक्स सी सिक्स एक्स के पावर जीरो और वन बाई एक्स के पावर सिक्स. कहाँ तक हम इसको स्टॉप करेंगे, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए. अब आप इसको सॉल्व करिए, मैंने बताया इसकी वैल्यू वन होती है तो एक्स के पावर सिक्स होगा. इसको आप सॉल्व करोगे तो सिक्स आएगा, एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स के पावर फोर आएगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, हमें मिलेगा क्या 15 मिलेगा, क्या मिलेगा 15 इसके पावर से कैंसिल होगा, एक्स के पावर थ्री आएगा. इसको जब आप सॉल्व करोगे इस मेथड से तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 5 और 3 नंबर बाहर होंगे ना, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल कर लो, ये कट गया आपसे 2 टाइम तो 8 आप में 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जितना आया, ठीक है. तो यहाँ से ये आया, उसके बाद 20 आएगा, इससे तो कैंसिल हो गया पावर, 20 आ रहा है. 20 आने के बाद अब यहाँ से फिर जब इसको आगे सॉल्व करोगे, 6c4 को आपने सॉल्व करने तो 15 आने हैं, इससे एक दो पावर कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर आएगा प्लस 6 इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, यहाँ से पावर कैंसिल होगा, 10 के पावर 4 होगा. लास्ट में हमारे इसकी वैल्यू 1 और 1 बाई
एक्स के पावर सिक्स। अब ये देखो मैं यहाँ को सॉल्व कर रहा हूँ, सिक्स सी थ्री फैक्टोरियल सिक्स, ये हमारा आंसर आ गया है। और फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फाइव फोर फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री को लिख सकते हैं थ्री इंटू टू इंटू वन, और इसको हम रहने दें फैक्टोरियल ताकि कैंसिल करना है। अब देखिए छः से छः कैंसिल हो गया, तो क्या हम करेंगे मल्टीप्लाई किए तो फोर ट्वेंटी आ रहा है, यही हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है बट ईजी है, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 9-6 के पावर थ्री। हमें पता है 9-6 के पावर थ्री को लिख सकते हैं 100-4 के पावर थ्री। ठीक है, यहाँ से ए की जगह पे क्या है 100 है, बी की जगह पे क्या है 4 है, और एन की जगह पे क्या है 3 है। रखिए फार्मूले पे एन सी जीरो ए की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला आप देख लीजिएगा एन सी वन 100 के पावर 2 और बी की जगह पे क्या है 4 है, तो इसके पावर 1 आएगा, प्लस सी थ्री सी टू 100 के पावर सबट्रैक्ट कर इसमें से कितना आएगा 1 आएगा। अब बी के पावर यानी 4 के पावर क्या आएगा, ये पावर यहाँ जो रहता है यहाँ पर की जगह पावर 2 हो जाता है, अब आएगा माइनस थ्री सी थ्री 100 के पावर 0 और 4 के पावर 3 आएगा। सॉल्व करिए, मैंने बताया इसकी वैल्यू 1 होती है, 100 का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करने पे 3 आएगा, इसको आप 100 का स्क्वायर इंटू 4 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3। इसको सॉल्व करिएगा आप फार्मूले पर रख के, 100 इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 16 आएगा। ओके, माइनस ये तो 1 ये भी 1 यानी इसकी वैल्यू आए कितनी आएगी, माइनस का 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, उसके बाद इसका 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 आएंगे और 12 से आप कर लो तो इसके आएगा ये आ जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 और 2 0 आ गए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका। अब प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, इसको इसके साथ जोड़ लीजिए, आप इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 88 4 7 3 6, ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम, क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस 5 है, तो आप इसको लिख सकते हो 100 के पावर प्लस 2 के पावर 5 लिख सकते हो, ए बराबर यहाँ से 100 है, बी बराबर 2 है और एन बराबर क्या है 5 है। ठीक है, तो यहां से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 5 एन के जगह पे क्या है 5 सी 0 ए के जगह पे 100 2 है के पावर 5 प्लस 5 सी 1 100 2 के पावर 4, बी के जगह पे क्या है 2 है तो 5 सी 2 यहां से 100 2 के पावर 3 2 के पावर 2
प्लस 5C3 102 के पावर 2 और 2 के पावर 3 प्लस 5C4 102 के पावर आएगा 1, 2 के पावर आएगा आपका 4 आएगा. लास्ट हमारा बचेगा 5C5 102 के पावर तो 0 आएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ 2 के पावर क्या आएगा, 5 आएगा. ओके तो यहां से हमने वैल्यू पुट अप कर दिया. अब सेम वही आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप साइड में अलग, इसको सॉल्व कर लीजिए साइड में, इसको सॉल्व कर लीजिए. अब आप इसको एक्सपेक्ट सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसकी वैल्यू कितनी कितनी आ रही. मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. इसको मैंने बताया 1 आता है, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे. सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 100 लेकर चलना था ना. जहां जहां 102 लिखा था वहां 100 लेके चलना था, मैं ये लेके चलना था ना. आप इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 जीरो हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 आएंगे, ठीक है. उसके बाद अगला स्टेप आप जब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा. उसके बाद प्लस 8, 1, 2, 3, 5 ये आएगा. उसके बाद 8 प्लस 32, सब को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आएगा 11, 0, 4, 0, 8, 0, 8, 0, 3, 2. ये इसका क्या होगा, आंसर होगा. कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व करो साइड में, इसको सॉल्व करो. मैंने बताया है ना कि एन सी आर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है, ठीक है. तो आप मैं यहाँ सॉल्व करके मैं अब दिखा सकता हूँ आपको, दिखा रहा हूँ मैं आपको 5C2 की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ रहा है. फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और यह आएगा फैक्टोरियल 3. सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 जो है आप खुद ट्राई करिएगा, सेम यही ऐसे ही करना है, इजी है, ठीक है. एट क्वेश्चन नंबर जो है बोल रहा है 101 के पावर 4, तो 100 प्लस 1 करिएगा, ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे 1 है, एन की जगह पे 4 है, ठीक है. आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है. चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ. तो 4C0 ए के पावर एन प्लस 4C1 बी ए के पावर 3 और b के जगह पे 1 है तो इसकी वैल्यू कुछ रखना ही नहीं है हमें. 4C2 यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4C3, मैं b मिस कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि 1 हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 1 है ना, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब 100 के पावर 2 प्लस 4C4 100 के पावर 0 एंड 1, तब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आ गया. इसका मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा नेक्स्ट 400 प्लस 1. सबको आप ऐड कर लो,
10406040, आप इसको सॉल्व करिए, बस जो आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई मैंने किया और कुछ नहीं किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 212। ठीक है, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी ईजी है, ऐसे ही है, आप कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं। 99 के पावर 5 पूछा है, इसका मतलब 100 माइनस 1 करना है। एक जगह पे 100 है, बी की जगह पे 1 है और एन की जगह पे 5 है। ठीक है, तो आप कर सकते, इसको आप ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए। ठीक है, या 5C0 100 के पावर 5 माइनस 5C1 100 के पावर 4 प्लस बी की जगह पे 1 है तो मैं कुछ लेकर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5C2 100 के पावर 3 प्लस, सॉरी माइनस होगा, बी यहाँ पर नेगेटिव होगा, 5C3 100 के पावर 2 प्लस 5C4 100 के पावर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ माइनस होगा, माइनस 5C5 100 के पावर 0 और बी के पावर यहाँ पर तो 5 आएगा, तो उसमें 1 आएगा, कोई वैल्यू नहीं। आप इसकी वैल्यू 1 आती है, इसका 5 टाइम करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, आप ऐड कर लो खुद, 3 जीरो आएंगे इसके आगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 आएगा इसके आगे, 4 जीरो आएंगे, तो सॉरी 8 जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो हो गए। इसको सॉल्व करने पे आता आएगा 2, 4, 5 प्लस 501। तो आप प्लस वालों को प्लस के साथ ऐड कर लो, माइनस वालों को माइनस के साथ ऐड कर लो, करने के बाद हमारा फाइनली रिजल्ट आएगा, सॉरी ये 9, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट दिस नंबर लार्जर देन 1.1 के पावर 10,000 आर 1,000। ठीक है, यही नंबर दे रखा है, इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 के पावर 10,000 आर 1,000। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 के पावर कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 पॉइंट के पावर लिख सकते हैं 1,000। ओके, आप इसको आप सॉल्व करो, एन के जगह पे क्या है, 10,000 है, C0 होगा प्लस 10,000 C1 एक जगह पे 1 पॉइंट, सॉरी एक जगह पे क्या आएगा, 1 है,
तो इसके पावर कुछ भी रखे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.1 ये b के जगह पे आएगा, ठीक है। बस ऐसे ही अदर पॉजिटिव टर्म ले लेते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग होगा, अदर पॉजिटिव टर्म, क्योंकि हमें इसी इतना ही करने पे हमें ना ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो ये 1 आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा 10,000 आएगा, आएगा 10,000, ओके 10,000 मल्टीप्लाई 1.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, ओके। अब इसको आप करने के बाद करोगे तो 1 प्लस 11,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, ठीक है। यहां से आप देख लें ये दो ही टर्म अगर हम लेके चल रहे हैं तो बड़ा आ रहा है 1,000 से, तो इसीलिए हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं दो स्टेप लेके चलने के बाद भी हमारे पास जो वैल्यू था वो बड़ा आ रहा है 1,000 के। ये तो हमें लेके प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां से आप बिल्कुल इजी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए प्लस बी के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4, हेंस इवेल्युएट दिस √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। तो आप इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, जो a और b a का जगह पे यहाँ पर √3 रखना है, b का जगह पे क्या रखना है √2 रखना है, बस और कुछ नहीं करना है हमको। तो आप पहले क्या करो, इसको एक्सपेंड करो बाइनोमियल से, एक्सपेंड करो, फिर जो आता है उसमें से a माइनस बी के पावर 4 को एक्सपेंड करो। तो जो इसकी वैल्यू करोगे एक्सपेंड, इसकी वैल्यू दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप करना है इसको एक्सपेंड करना, यहाँ रखना वैल्यू, यहाँ रखना इसकी वैल्यू, और तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये डायरेक्टली ये आएगा वैल्यू। क्योंकि अगर हम करने लगे यहाँ पर तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप करना नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसको दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बट अगर आप कर लेते हो तो और बेटर है। तो ए बराबर क्या है √3 है, और बी की जगह क्या है √2 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। अब बस जहां a है वहां √3 रख दो, जहां b है वहां √2 रख दो, तो 8 मल्टीप्लाई रूट में 3 मल्टीप्लाई √2। आप √a का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, यहां पर √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब आपको सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई 5, यहां से आप करोगे तो 40√6 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्या आएगा 40√6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए उस कमेंट करके, मैं दोबारा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सेम उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं।
इसका क्वेश्चन ना लॉन्ग क्वेश्चन है. वन प्लस एक्स के एक्स प्लस वन के पावर सिक्स प्लस एक्स माइनस वन के पावर सिक्स, तो हमें ये पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट टू माइनस वन के पावर सिक्स. सेम आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा ये आएगा. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 4 प्लस 5x2 प्लस 1. अब जहां x है वहां रूट टू रख दो और जहां पर 1 है वो तो वही रहेगा. ठीक है, तो रूट टू के पावर 6 प्लस 15 रूट टू के पावर 4, 15 रूट टू के पावर 2 प्लस 1. सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 2 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 99 198 इसका आंसर होगा. अगर आपको ये सॉल्व करके इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट रिजल्ट यही आएगा. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी प्रॉब्लम होगा. ठीक है, इसीलिए हम इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये हमने लगा रखा है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कहीं से कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है. मैंने इसको सॉल्व किया था, फिर इसको सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया तो फाइनली रिजल्ट हमारा ये आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया. क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 13 पे. क्या कह रहा है 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा जा रहा है. क्वेश्चन 13 में कह रहा है सो डेट 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64. ठीक है, तो बाइनोमियल में हमने एक पढ़ा था थ्योरम 1 प्लस एक्स वाला. ठीक है, तो 1 प्लस ए हम कर ले यहाँ पर, 1 ए के पावर m का फॉर्मूला अगर आप एक्सपेंड करोगे तो m c1 ए के पावर प्लस एक जगह पे क्या है 1 है तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो ये आएगा, उसके बाद m c2, फिर यहां पर आएगा आपको a स्क्वायर, ऐसे ही सोलन करते रहेंगे. तो यहां से आप देखिए हमें क्या चाहिए, यहां पर 9m लेना है, हमको 9 बनाना है. तो क्या हम a की जगह पर रखें कि यहां पर 1 में ऐड करें तो 9 हो जाएगा. सिंपल है, a की जगह पे आप रख दीजिए 8 एंड m के जगह पे आप रख दीजिए n प्लस 1, सेम आ जाएगा हमारा ये वैल्यू. तो आप 1 प्लस 8 के पावर हो जाएगा n प्लस 1. अब जहां जहां n है वहां पे आप n प्लस 1 रख दीजिए. ठीक है, n प्लस 1 c1 8, n प्लस 1 c2 8 के पावर 2 प्लस, ऐसे ही सो जाता रहेगा आगे. ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे तो 9 के पावर n प्लस 1. अब यहां से इसको सॉल्व करते तो 1 आता है, इसको सॉल्व करोगे तो n आएगा, n प्लस 1 आएगा, 8 आएगा. अब इधर देखो आप, इसमें ना जितने आगे टर्म आएंगे सब में 8 स्क्वायर कॉमन आएगा. अब इधर जो भी है इससे हमें कोई मतलब नहीं रखता, सब पॉजिटिव नंबर आएंगे. जैसे यहाँ पर आप n c2, n प्लस 1 c2 कुछ समथिंग आगे जो भी आए कोई मैटर नहीं करता. ठीक है, तो यहां से n के पावर a के पावर n प्लस 1 आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसमें 8m और 8, तो यहां पर क्या आएगा 8 और में ये 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 8n प्लस 9, इसको सॉल्व करोगे इस साइड लाओगे लेफ्ट साइड तो ये मिलेगा हमको. ठीक है, इसका टू स्क्वायर करोगे स्क्वायर तो क्या आएगा 64 आएगा.
हम मान लेना कि जो भी ये टर्म अगला आएगा पॉजिटिव, तो उसको हम के मान लेते हैं, वेयर के इज जो भी हमारा आ रहा है आगे, एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री, आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई एट, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एन नाइन के पावर एन प्लस वन एट एन माइनस एन इज डिविजिबल बाय 64, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। बात समझ रहे हैं मैंने यहाँ पर क्यों किया, यहाँ पर बाहर लिया ये कुछ भी, ये पॉजिटिव नंबर आएगा उसको हमने के सपोज कर लिया, जो यहाँ पर देखिए आगे आता जाता रहेगा यहाँ पर आगे, ये मतलब जो भी टर्न आ गया है उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के हो जाते हैं नाइन के पावर एन प्लस वन माइनस एट एन प्लस। क्वेश्चन नंबर आपका था 13 था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूव दैट आर बराबर 0 टू एन 3 के पावर आर एन सी आर इक्वल टू 4 के पावर एन, ये हमारा क्वेश्चन था। हम बाइनोमियल बाई से जानते हैं, बाई बाइनोमियल थ्योरम अकॉर्डिंग टू समेशन आर बराबर 0 टू एन, ये फॉर्मूला हमने बता रखा था पहले लेक्चर में जब हम बाइनोमियल पढ़े थे, तो इसका हम नोटेशन बाइनोमियल को हम इसी नोटेशन से डिनोट करते हैं। अब यहां से देखिए आप, अगर हम पुट कर दें बी बराबर 3 और ए बराबर 1 पुट कर दें तो 4 आ जाएगा, रखिए वैल्यू इसमें आप, तो यह समेशन आर बराबर 0 टू एन एन सी आर 1 के पावर एन माइनस आर 3 के पावर आर दिस इक्वल टू 1 प्लस 3 के पावर एन हो जाएगा। देखिए सिंपल प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था इसमें, इजी था, बस यूजिंग द दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8.1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिड पॉइंट निकालना पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ थोड़ी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको पेशेंस रख के देखिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो क्वेश्चन दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में, ये पार्ट नंबर 3 हमारा था, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय।